नहीं रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव, एक युग का अंत। मुलायम का कैसा रहा राजनीतिक सफर? देश में समाजवाद के सबसे बड़े नेता रहे मुलायम सिंह। सियासी दंगल के माहिर थे धरती पुत्र मुलायम। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी और सुघर सिंह यादव के किसान परिवार में हुआ था। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के थे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं। पिता सुघर सिंह उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राजनीति में आने से पूर्व मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और बीटी करने के बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए और सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। मुलायम सिंह उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता थे। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया। बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी नेता रामसेवक यादव के प्रमुख शिष्य थे और इन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री भी बने। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। वे 3 बार मुख्यमंत्री बने। पहली बार 5 सितंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर दूसरी बार 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक मुख्यमंत्री रहे और तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा वे केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह की पहचान थी। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मुलायम सिंह ने साहसिक योगदान दिया। मुलायम सिंह की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की थी। यूपी में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। प्रदेश में सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव को प्यार से नेताजी कहा जाता था। 2012 में समाजवादी पार्टी को यूपी के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। ये पहली बार हुआ था। उत्तर प्रदेश में सपा अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में थी। नेताजी के पुत्र और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया और प्रदेश के सामने विकास का एजेंडा रखा। अखिलेश यादव के विकास के वादों से प्रभावित होकर के पूरे प्रदेश में उनको व्यापक जनसमर्थन मिला। चुनाव के बाद नेतृत्व का सवाल उठा तो नेताजी ने वरिष्ठ साथियों के विमर्श के बाद अखिलेश यादव को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश यादव ने नेताजी के बताए गए रास्ते पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात मुलायम सिंह ने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा की सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए थे। विधायक का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा था। इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया था। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतजार करना पड़ा, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। 1980 में भी कांग्रेस की सरकार में वे राज्य मंत्री और फिर चौधरी चरण सिंह के लोकदल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने विधान परिषद में मनोनीत करवाया, जहां वे प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से चुने गए थे और उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी उसमें मुलायम सिंह भी शामिल थे और देश के रक्षा मंत्री बने। ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चली। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात चली थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वे सबसे आगे खड़े थे, लेकिन उनके सजातियों ने उनका साथ नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया।
इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह संभल सी लोकसभा में वापस लौटे। उस समय वो कन्नौज भी जीते थे, लेकिन वहां से उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वो रक्षा मंत्री बनाए गए थे, लेकिन ये सरकार भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद सत्ता से बाहर हो गई। मुलायम सिंह यादव की राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों में अटूट आस्था रही। भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और शोषित पीड़ित वर्गों के हितों के लिए उनका अनवरत संघर्ष जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।